ग्रहों और नक्षत्रों का हमारे जीवन में खास महत्व होता है। हर किसी की जिंदगी को ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कुंडली में बैठे इन ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल पर ही हमारा भाग्य निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशियों में जो ग्रह जितने समय तक रहता है उनका प्रभाव जीवन में घटने वाली हर अच्छी या बुरी घटना से जुड़ा होता है। यही वजह है कि सभी तरह की पूजा और अनुष्ठान में नवग्रह पूजन का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो जिस क्षण वो माता के गर्भ से बाहर आता है उस क्षण ब्रह्मांड रश्मियाँ उस पर उसी तरह से अंकित हो जाती हैं जैसे फोटो फिल्म में हम एक क्षण में दृश्य अंकित कर लेते हैं, और वो दृश्य नेगेटिव फिल्म के रूप में हमारे पास हमेशा रहता है, और जब हमारी इच्छा करती है तो हम उसको डेवलप करवा करके एक भव्य चित्र बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से बीज रूप में वो ब्रह्मांड रश्मियों का जो प्रभाव है वो हमारे भीतर रहता है, और समय की अनुकूलता के साथ वो अपना फल प्रकट करता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को नवग्रह यानी नौ ग्रह कहा जाता है। इनमें राहु और केतु को पृथ्वी की छाया पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार राहु का रंग काला और केतु का सफेद माना गया है। राहु की इष्ट देवी माँ सरस्वती हैं, तो वहीं केतु के इष्ट देव भगवान श्री गणेश हैं। पृथ्वी जिस कक्षा में सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और उस पृथ्वी के चारों तरफ चंद्र घूम रहा है, ये दोनों कक्षाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहाँ उसका उत्तरी कटान बिंदु जो है वो राहु है और दक्षिणी कटान बिंदु जो है वो केतु है। वो पात हैं एक दूसरे पर जहाँ ये वृत्त पड़ते हैं, इनका इसलिए इनको पात कहा गया है। आमतौर पर लोग शनि और राहु केतु के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं में राहु और केतु को एक ही शरीर के दो भाग माना गया है और इनकी कल्पना सर्प से की गई है। राहु को सर्प का मुख और केतु को पूंछ कहा गया है। यही वजह है कि व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष को इन्हीं ग्रहों का प्रकोप माना जाता है। फलित ज्योतिष में एक मान्यता है कि ये व्यक्ति को रात रात में अर्श पर और रात रात में फर्श पर पहुंचाने वाले ग्रह हैं। ज्योतिषियों के अनुसार जब कुंडली में राहु छठे, आठवें या बारहवें घर में होता है तो इंसान की जिंदगी में परेशानियों का सबब बन जाता है। वहीं दूसरे और सातवें घर में बीमारियों की वजह बन सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो मुश्किलें हर इंसान के साथ रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर इंसान की कुंडली में राहु की दशा हो। ये तो इंसान के अपने हाथों में है कि वो किस तरह से मुश्किलों से लड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। केतु ग्रह को लेकर भी ज्योतिषियों की कुछ यही राय है कि ये ग्रह कुंडली में तीसरे स्थान, छठे स्थान, दसवें स्थान और ग्यारहवें स्थान पर होने से मानसिक अशांति और मानहानि जैसे अशुभ फलों का योग बनाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान रहता है और कई बार डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। लेकिन जिंदगी की हर समस्या का हल कोशिश, हिम्मत और विश्वास से निकाला जा सकता है। बस जरूरत होती है खुद को मजबूत बनाने की। राहु और केतु की प्रकृति में एक मामूली सा अंतर ये है कि राहु की वात प्रकृति है और केतु की अग्नि प्रकृति है, क्योंकि शनिवत राहु, राहु जो है वो शनि के समान है और कुजवत केतु मंगल के समान केतु है। मंगल का प्रधान गुण है अग्नि तत्व की प्रधानता, वो अग्नि तत्व की प्रधानता केतु में भी आएगी। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो जिस तरह से मंगल का विचार हम करते हैं उसी तरह से केतु का विचार करते हैं, और जिस तरह से शनि का विचार हम फलादेश के लिए करते हैं उसी तरह से राहु का भी विचार करते हैं। लेकिन इन दोनों में मौलिक अंतर यही है कि ये जो भी करते हैं बड़ी तीव्र गति से करते हैं। वास्तव में राहु और केतु शनि के अनुचर यानी सेवक हैं,
जो न्याय के देवता कहे जाने वाले शनि देव के आदेश पर ही कार्य करते हैं। ये तीनों ग्रह मिलकर केवल एक ही संदेश देते हैं कि मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का फल सिर्फ और सिर्फ उसके खुद के हाथों में है। ये ग्रह लोगों को चेतावनी देने और उन्हें सत्कर्म के लिए प्रेरित करने का जरिया मात्र है।